नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे मार्केट ने 9 दिन की गिरावट को आज यहाँ पे थम गई है और आज हरे निशान में यहाँ पे बंद हुआ है। तो इस क्लोजिंग पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे कि गैप अप ओपनिंग हुई थी और वो आज सस्टेन कर गई फाइनली। यहाँ पे निफ्टी बिल्कुल डे हाई पे जाके बंद हुआ है और जो करीब क्लोजिंग आई है वो आई है यहाँ पे 131 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी 400 पॉइंट के उछाल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग आई है। निफ्टी टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करें तो गेनर में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सबसे ज़्यादा भागा, उसके बाद वेदांता, उसके बाद अदानी पोर्ट। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूँ तो यहाँ पे हीरो मोटो में रहा सेल ऑफ, उसके बाद बजाज ऑटो, उसके बाद डॉक्टर रेडीज लैब। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट की तरफ से, जहाँ पे की कंपनी ने अनाउंस किया है करीब 2000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और 2020 तक करीब 20 MT की यहाँ पे कैपेसिटी पहुँचा दी जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे इस कंपनी का IPO आने वाला है और वो मोस्ट प्रोबेबली आपको 2020 एंड तक आता हुआ दिखाई देगा। अब देखते हैं IPO के टाइम पर ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ABB की तरफ से, जहाँ पे कि 270 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिल गया है इनको इंडियन रेलवेज की तरफ से और ये कन्वर्टर सप्लाई करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो इंजन होता है उसमें लगाए जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में और इनको कैसे ऑर्डर मिलते हैं। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहाँ पे कि कंपनी के स्टॉक में करीब 4% का उछाल देखा गया था और यहाँ पे एक डील फाइनल हुई है जो कि करीब है $125 मिलियन की और ये मल्टी ईयर डील है, ये आगे रिन्यू होती रहेगी तो काफ़ी पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे ड्यूक ऑफशोर की तरफ से, जहाँ पे कंपनी के स्टॉक में करीब 20% का अपर सर्किट लग गया था और इनको मिला एक नया कॉन्ट्रैक्ट और ये सारा कॉन्ट्रैक्ट जाएगा ड्रिलिंग में। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में ये और ऊपर की तरफ भागता है स्टॉक या नहीं भागता। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे जेट एयरवेज की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 3% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में और रीज़न जो था कि वो ये था यहाँ पे HSBC ने अपने टारगेट कट किए हैं, इन्होंने टारगेट अपने 250 से अब 200 कर दिए हैं। तो अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं यहाँ पे जेट एयरवेज का स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे PSU बैंक की तरफ से, जहाँ पे कि Q3 के नंबर्स में करीब 41,000 करोड़ का जो लोन था वो राइट ऑफ किया गया है और अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं ये राइट ऑफ का जो पैसा है वो यहाँ पे ये बिल्कुल रिकवर नहीं होगा, इसलिए बैंकों ने राइट ऑफ किया है। अगर यहाँ से कुछ भी रिकवरी आती है तो काफ़ी पॉजिटिव होगा इस बैंकों के लिए, बट फिलहाल तो ये पैसा डूब ही गया है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे अशोक लेलैंड की तरफ से, जहाँ पे अशोक लेलैंड के CFO मिस्टर गोपाल जी ने बोला है कि यहाँ पे FY20 में करीब 20% की ग्रोथ एक्यूमुलेट करेगा अशोक लेलैंड की कंपनी। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे यस बैंक की तरफ से, जहाँ पे मूडीज ने यहाँ पे रेटिंग को चेंज किया है और अब स्टेबल की रेटिंग दे दी है यस बैंक को, इसी के साथ स्टॉक में करीब 3% का उछाल देखा गया था। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे होंडा मोटरसाइकिल की तरफ से, जहाँ पे अपकमिंग CBR 650 बहुत ही जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाली है, उसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है, जो प्राइस स्टार्ट हो रही है वो करीब 8 लाख से स्टार्ट हो रही है। तो जिन लोगों को हाई स्पीड बाइक चलाने में मज़ा आता है वो इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे, आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।